शिवराज के बेटे कार्तिकेय पर पनामा पेपर्स घोटाले के आरोपों से पलटे राहुल गांधी। राहुल ने कहा, बीजेपी में इतने स्कैम हो रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया। कल झाबुआ में बोले थे पनामा पेपर्स में शिवराज के बेटे का नाम। शिवराज ने राहुल पर मानहानि का केस करने की धमकी दी थी, इसके बाद पलट गए राहुल। शिवराज सिंह चौहान के बेटे की तरफ से भोपाल की अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, राहुल गांधी एक कंफ्यूज नेता हैं, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। मंदिर जाने पर बीजेपी के हमले पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा बीजेपी और आरएसएस ने मंदिर का ठेका ले रखा है क्या। एमपी दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने इंदौर में किया रोड शो, बस के ऊपर चढ़कर दिया भाषण। रोड शो के बाद इंदौर की 56 व्यंजन दुकान पर खाने का लुत्फ लेते दिखे राहुल गांधी। योगी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से फैसले में समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट आस्था को भी देखे। योगी ने कहा, देश का बहुसंख्यक समाज मंदिर चाहता है। योगी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं उन सभी पर विचार हो। योगी ने कहा, मंदिर में देरी पर संतों का गुस्सा जायज है, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं खोना चाहिए। राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक टल गई है, वहीं आरएसएस जल्द भव्य मंदिर की बात कहकर दबाव बढ़ा रहा है। गुजरात के नर्मदा के सरदार सरोवर डैम पर कल पीएम मोदी करेंगे सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण। पटेल की प्रतिमा के नजदीक से दर्शन के लिए 500 रुपए और दूर से दर्शन के लिए देने होंगे 30 रुपए। 2 दिनों के जापान दौरे के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी ने राहुल के बहाने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। सबरीमला मंदिर पर अमित शाह के बयान पर शरद पवार का वार, कहा कोर्ट का फैसला भगवा पार्टी को स्वीकार्य नहीं। फिर शिवपाल के करीब दिखे मुलायम, लखनऊ में शिवपाल को मिले नए घर में मिलने पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों वाली तीसरी लिस्ट, 2 विधायकों के टिकट कटी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी वोटरों को रंगोली और नाच गाने के जरिए किया जा रहा है जागरूक। चुनाव आचार संहिता के चक्कर में दमोह में शादी की इजाजत के लिए चुनाव आयोग के चक्कर काट रहे हैं लोग। राजस्थान में निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को लुभाने की कोशिश में शिवसेना निकालेगी स्वराज्य रथ यात्रा। दिवाली पर सिर्फ रात के 8 से 10 बजे तक पटाखा जलाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया। अब राज्य सरकारें तय करेंगी 2 घंटे पटाखे कब जलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली NCR में ग्रीन क्रैकर्स जलाएं, बाकी देश में जला सकते हैं सामान्य पटाखे। राकेश अस्थाना पर लगे आरोपों की जांच कर रहे अधिकारी AK बस्सी ने पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सामना में CBI को बीजेपी के घर बंधा हुआ कुत्ता बताया। मुंबई के बांद्रा में गरीब नगर झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगी, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। मुंबई में हिंसक हुई उबर कैब चालकों की हड़ताल, हड़ताल में शामिल न होने पर एक कैब चालक की पिटाई की। मुंबई में कैब चालक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में कैब चालक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे पालघर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, गुस्साए परिवार वालों ने किया रोड जाम। ठाणे के रुनवाल गार्डन सिटी कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग की 18वीं मंजिल से गिरे 7 मजदूर, 3 मजदूरों की हालत गंभीर। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर शख्स ने किया सुसाइड। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दूरदर्शन की टीम पर नक्सली हमला, कैमरामैन की मौत। श्रीनगर में टेरर फंडिंग के शक में 2 बड़े कालीन कारोबारियों पर NIA का छापा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आर्मी के कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। सोमवार को श्रीनगर में BSF के दस्ते पर हुए हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। श्रीनगर में BSF के दस्ते पर हुए हमले में 5 जवान घायल हुए थे। दिल्ली के नरेला में DDA फ्लैट्स की साइट पर निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से इंजीनियर समेत 4 की मौत। दिल्ली के नंद नगरी में बदमाश ने बाप बेटे को मारी गोली, पिता की मौत, बेटा घायल। दिल्ली के अमन विहार में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में टोल मांगने पर कर्मचारियों को पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात। कल होगा दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन, मीडिया के सामने ट्रायल किया गया। UP के शामली में नशे में पुलिस वाले के हंगामे का वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल भेजने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी न होने पर बिहार की नीतीश सरकार से जवाब मांगा, कल फिर सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर की घटना के 3 महीने बाद तक मंजू वर्मा मंत्री बनी रही ये हैरान करने वाली बात है। गुवाहाटी में कार्यक्रम के दौरान बंगाली गाना गाने पर गायक शान पर हमला। एमपी के जबलपुर में डेंगू चिकनगुनिया का कहर। डेंगू चिकनगुनिया के अब तक करीब 2000 मामले सामने आए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरूड किले में आजादी के बाद पहली बार लहराया तिरंगा। महाराष्ट्र के शिरडी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग पर किसानों का प्रदर्शन। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचा अंबानी परिवार, बेटी ईशा अंबानी का शादी कार्ड गणपति को समर्पित किया। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी की तारीख का खुलासा नहीं। दिल्ली में बेहद खराब हुई हवा, पीएम 2.5 का स्तर 217 पर पहुंचा। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, जहांगीरपुरी और मथुरा रोड समेत 10 इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर है। फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी स्थिति खराब। दिल्ली में आज और कल प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन की रोक के बावजूद हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से 15 और 10 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहन को जब्त करने का आदेश। दिल्ली में प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी के कानपुर में भी जहरीली हुई हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 पर पहुंचा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।